बांदा अतर्रा थाना क्षेत्र के खटौरा ग्राम निवासी राकेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 2 दिन पहले स्कूल में बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दबंगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। पूरा परिवार डरा सहमा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र के खटौरा गांव का है, जहां स्कूल में बच्चों में आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद शिकायत आने पर हमने अपने बच्चे को डांट डपट दिया था, लेकिन शाम को दबंग लोगों ने मेरे परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट और मेरे न मिलने पर मेरी बीबी को मारकर चले गए। दबंग आए दिन उसके घर में लाठी डंडा लेकर घुस जाते हैं और मारपीट करते हैं। दबंग राम खिलावन गुलजारी, लाल गुलाजारी, बाल किशन गुलाजारी, यह लोग आए दिन गाली गलौज करते हैं, लाठी डंडा लेकर घर में घुस जाते हैं। इसके पहले भी अतर्रा थाने पर तहरीर दे चुके हैं, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बांदा से राधेश्याम गुप्ता, स्टेट ब्यूरो चीफ की क्या रिपोर्ट। नाम भैया आपका? मेरा नाम सर राकेश कुमार। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम खटौरा थाना अतर्रा तहसील अतर्रा। क्या समस्या लेकर के आप लोग आए हुए थे आज? चार दबंग ऐसे लोग हैं जिनसे हम आज कई सालों से परेशान हैं। मेरी पत्नी को मारा। कब कब मारपीट किसने मारा था? परसों मारा था सर। अच्छा, किस कौन है दबंग ये लोग? राम खिलावन पुत्र गुलजारी, लाल पुत्र गुलजारी, बाल किशन पुत्र गुलजारी। तो इसके पहले आप लोग थाने अतर्रा गए थे? 3 बार गए सर, कोई सुनाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं ये दबंग लोग, क्या कहते हैं? घर में घुसकर मेरी पत्नी को मारा, छोटे से निशान आज भी दिखाई। क्या नाम है इन दबंगों का? एक का नाम राम खिलावन पुत्र गुलजारी, दूसरे का नाम मीलाल पुत्र गुलजारी और तीसरे का नाम बाल किशन पुत्र झुनवा, चौथे का नाम कल्लू पुत्र मीलाल। किस बात को लेकर के आपके साथ में मारपीट करते हैं? मेरा छोटा बच्चा स्कूल गया था, स्कूल उसके बच्चे ने मारा। उसकी घरवाली हमारे घर पुराना लेने आई, मेरी घरवाली ने पुराना लिया। पुराना लेने के बाद दिन भर जो लाठी लेकर चारों लोग हमको मारने के लिए ताकि, इसके बाद शाम को आए गाली गलौज की, रात में हम घर में घुसे रहे। अच्छा, तो आप लोग थाने गए थे तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? सर, थाने में मुझको उनमें से एक आदमी का बंद करके दिन भर रखे थे, शाम को चलान कर दिया। अच्छा, और मेरी पत्नी दिन भर थाने के चक्कर लगाती रही। क्या चाहिए? सुनाई नहीं हुई। आप लोग छोटे बच्चे भूखे बैठे रहे। आप लोग आज SP साहब के पास में गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है आप जाइए थाने, जाइए वहाँ पर सुनाई होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम चाहते हैं कि इन गुंडों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।